नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का मार्च वायदा 11,382 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज ग्वार गम के अंदर हम देख रहे हैं कि करेक्शन बनती नजर आई है। और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड का मार्च वायदा देख रहे हैं 6,000 के लेवल्स पर है, लगभग 2.25% की गिरावट है। देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से ग्वार में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, क्या ग्वार में यहाँ से तेजी आएगी या फिर यहाँ पर बिकवाली करना चाहिए, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। अमित जी, सबसे पहले बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज कुछ करेक्शन बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कीमतें नीचे कहाँ तक जा सकती है और नीचे से अगर कीमतें उठेंगी तो कहाँ तक जा सकती है? देखिए, हमने पिछले काफी समय से लगभग तीन हफ्ते हो गए हैं, हमने देखा है कि एक दायरे में कारोबार हुआ है जहाँ 6,500 ऊपरी तरफ और 6,100 निचली तरफ जो एक सपोर्ट की क्रैक कर रहा था, उस दायरे से फिलहाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6,100 का सपोर्ट जो है टूट चुका है। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 5,950 के 5,900 की जोन में प्राइसेस जो है ग्वार सीड की फिर सकती है। तो एकदम छोटी अवधि के लिए तो ऐसा लग रहा है कि 6,200 के जब तक नीचे प्राइसेस हैं तब तक करंट प्राइस से लगभग 2 से 2.5% की गिरावट और हमें ग्वार सीड में दिखाई दे सकती है। उसी तरह अगर हम ग्वार गम की भी बात करें तो ग्वार गम में ऐसा लग रहा है कि 11,600 का एक जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था वो टूट चुका है, तो हम मोस्ट पॉसिबली 10,900 तक प्राइस को जाता हुआ देखेंगे, यानी यहाँ पर भी लगभग 3% की गिरावट हमें आने वाले 2 से 3 सेशन में दिखाई दे सकती है। जी अमित जी, ये जो रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्रूड में अगर जैसे हम देख भी रहे हैं कि क्रूड लगभग ऑलमोस्ट $100 का आंकड़ा टच कर चुका है, तो क्या उसका भी असर आगे ग्वार गम और ग्वार सीड की प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, फिलहाल हमने देखा है कि एक्चुअली क्राइसिस यानी जो ऑक्यूपेशन किया है जो दो रीजंस है, खास करके जो ईस्टर्न साइड पे यूक्रेन में, उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी एक्चुअली गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि जितने हद तक एस्केलेशन होने की उम्मीद थी या जितने सैंक्शन लगने की उम्मीद थी रशिया पर, उस एक्सटेंट तक बात नहीं बढ़ पाई है, तो मार्केट ने जो डिस्काउंट किया था वो इस उम्मीद से खरा नहीं उतरा है जो एक्चुअल इवेंट्स हुए हैं। तो इसके चलते हमने कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, नाफ्टा गैस में बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। तो मुझे इमीडिएट तौर पे नहीं लगता कि जो असर है हमें ग्वार गम में ग्वार सीड की देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि निचले स्तरों पर यानी 10,800 से 10,900 के करीब ग्वार गम में और उसके बाद 5,900 के करीब ग्वार सीड में असर जो है वो देखने को मिल सकता है। जी हमें जी, बात करें यहाँ से अगर कैसा सीड की, तो 7,000 के बाद देख रहे हैं कैसा सीड 6,700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की गिरावट आज कैसे में बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कैस्टर में जो करेक्शन आई है ये कहाँ तक नीचे में जा सकती है और क्या फिर से 7,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पिछले तेजी में 7,300 के करीब के जो लक्ष्य थे वो हासिल नहीं हो पाए और हमने 7,180 या 7,170 के करीब पे हाई हुए थे, तो मुझे लगता है कि वो एक स्तर बाजार छोड़ने के लिए दोबारा जाएगा। इसका मतलब ये कि 6,500 से 6,600 के बीच अगर मिलते हैं प्राइसेस तो वहां पर दोबारा बाइंग करनी चाहिए और 7,300 का एक रजिस्टर लक्ष्य लेके चला जाए। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि गिरावट ही देखने को मिल रही है, 3100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से अभी कुछ और करेक्शन बन सकती है और करेक्शन नीचे में कहाँ तक जा सकती है? जी देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 3270 से 3280 के करीब एक रेजिस्टेंस लिया था और वहां से दोबारा प्राइस नीचे आई है, तो ये एक दायरे का कारोबार ही है और 3,000 से 3,300 का एक जो ब्रॉड रेंज हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, इनफैक्ट लगभग हम अब सवा महीने से हम देख रहे हैं कि 3,300
और 3,000 की जो रेंज है वो बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल क्योंकि हम ऊपरी स्तर से नीचे आ रहे हैं तो 3,000 के करीब जाने की उम्मीद है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है और हम दोबारा 3,450 से 3,500 तक के स्तर देख पाएंगे शॉर्ट टर्म बेसिस। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 3,030 से 3,040 के स्तर पहले देखने मिलेंगे, जहाँ से फिर बाइंग एमर्ज हो सकती है। जी अमित जी, बात करें इससे अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में भी देख रहे हैं कि लगातार सेलिंग ही वीटनेस हो रही है, आपको क्या लगता है नीचे में कीमतें कहां तक जा सकती हैं और क्या दोबारा से बाइंग इनिशिएट होगी और फिर कीमतें जो हमने अब देखी हैं अपर हाइज लगे हैं फिर से वहां तक देखने को मिल पाएंगी क्या? जी, मेरा मानना है कि ओवरऑल बेसिस 34,000 का एक बेस हो चुका है, मीडियम टर्म बेसिस यानी नेक्स्ट 2 से 3 महीनों के लिए 34,000 से नीचे प्राइस नहीं जा कोई दिखती है। शॉर्ट टर्म बेसिस यानी नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों की बात करें तो 35,000 से 35,500 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। इमीडिएट अगर हम देखें तो 36,200 से 3,000 तक प्राइस मिलेंगी, वहां पर मेरा मानना है कि एक फेस फॉर्म हो सकती है जहां से दोबारा तेजी पिकअप होगी और हम 37,700 का एक पहला लक्ष्य देख पाएंगे और उसके बाद 39,000 तक के लेवल जो पिछले समय मार्केट एग्जैक्टली टेस्ट नहीं कर पाया था वो दोबारा नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों में टेस्ट हो सकते हैं। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर अब मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज धनिये में तेजी देखने को मिली है, 11,100 के ऊपर सस्टेन है। जीरा देख रहे हैं कि जो 21,000 के नीचे लुढ़क चुका था अब वही 22,000 के ऊपर है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी 10,000 के आसपास की लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या ये सही वक्त है मसालों में प्रॉफिट बुक करने का या फिर यहाँ से अभी और तेजी आएगी और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करें? जी मेरे हिसाब से अगर प्राइसेस जो है वो 21,800 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस होल्ड करते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जीरे में, यानी कि यहाँ से करीबन 3 से 3,500 की और अगर गिरावट आती है तो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, अदरवाइज होल्ड करना चाहिए। क्योंकि पोजिशनली मेरा मानना है अगर करेक्शन आती भी है तो अपसाइड में 23,000 से 24,000 की जो लक्ष्य है वो अभी भी पेंडिंग है जी। तो दोबारा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो 21,800 के नीचे अगर प्राइसेज नहीं होल्ड कर रही है तो होल्ड रखा जा सकता है, यानी उसके नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबके होल्ड रखा जा सकता है। और अगर ये प्राइस 22,500 जो लगभग आज का भी हाई है उसके ऊपर सस्टेन होने लगती है तो लगभग 23,500 से 24,000 तक के लेवल हमें आने वाले कुछ ही समय में देखने मिलेंगे, जहाँ पर जीरे का सवाल है। वहीं पर अगर मैं धनिया की बात करूँ तो मुझे लगता है धनिया में अभी कुछ तेजी संभव है, जहाँ पर प्राइस जो है वो 11,600 तक के स्तर भी दिखा सकती है, आज हमने 11,250 से 60 तक के स्तर देखे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ऊपर की तरफ ही है, जब तक 10,700 के ऊपर प्राइसेस होल्ड कर रही है धनिया में और अपसाइड में 11,600 तक के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे, तो दोनों ही काउंटर्स में फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है और अभी भी जिनकी पोजीशन बनी हुई है एज ऑफ नाउ में होल्ड करने की सलाह देना चाहूंगा। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि US फ्यूचर्स $1,650 के आसपास है और रशिया और यूक्रेन क्राइसिस भी देख रहे हैं जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल पैक है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। NCDX पर भी देख रहा था हमने कि जो सोयाबीन के प्राइसेस हैं 7,200 के ऊपर निकल चुके हैं, ऐसे में अब आपको क्या लगता है अब जो पोजीशनें रहेंगी सोयाबीन में, जो लेवल्स रहेंगे आगे वो क्या रहेंगे? जी देखिए, जो काफी समय से तेजी के टारगेट थे, जो 7,300 का एक व्यू था वो भी काफी नजदीक है सोयाबीन मार्च वायदा में और 7,200 के करीब के लेवल फिलहाल चल ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो काफी समय से एक पेंडिंग टारगेट से वो अचीव हो रहे हैं, लेकिन 7,300 या ज्यादा से ज्यादा 7,400 के करीब जाके मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलेगा। तो जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार अगर बुक कर ली जाए और ज्यादा होल्ड ना किया जाए तो मुनाफे का सौदा हो सकता है, क्योंकि उस रीजन के बाद दोबारा हमें लगभग 6,800 या 6,800 के लेवल देखने मिलेगी। जी अमित जी, इसी के साथ बात करें अगर मैंथा ऑयल की, तो मैंथा में आपको क्या लगता है मैंथा में क्या अभी जो लो लेवल्स हैं उनमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? जी फिलहाल देखिए, काफी समय से मैंथा ऑयल जो है अगर मैं समझ लीजिए फरवरी फरवरी वादा की बात करें तो फिलहाल 965 के करीब है, लेकिन एक दायरे में
कारोबार कर रहा है कुछ दो हफ्तों से, लगभग 980 से लेकर 950 के बीच। शॉर्ट टर्म बेसिस यस ये पॉसिबल है कि 980 के ऊपर यदि प्राइस निकलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। मुझे तौर पे ही जो टारगेट होगा वो 1005 का होगा, लेकिन ये मैं बाय अबाव की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, यानी 980 के ऊपर अगर होल्ड कर रही है प्राइस तो ही बाय करें, वरना ये दायरा जो है कुछ समय और चल सकता है। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? जी मेरे ख्याल से पोजिशनल बेसिस कैसे सीन में अभी भी एक अपसाइड बाकी है, तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से ग्वार सीड या ग्वार का दोनों में से एक में दिखाई कर सकते हैं, जो पहले हमने चर्चा की है टारगेट्स की वो दिखाई दे सकते हैं, तो ये एक टॉपिक की तरह लिया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और उन पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।